Aló, aló. ¡Eh, papá! खबरदार खबरदार, अगर कोई भी ऊपर आया तो मैं दुनिया हिला दूंगा। तेरे को जो करना है कर, पर मेरा भाड़ा दे दे मुझे। अरे हाँ भाड़ा दे दे यार। नहीं नहीं दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भाड़ा दे दूंगा। एक मिनट, लेकिन सिर्फ 7,000 दूंगा। 15,000 लूंगा। 15,000 भाई साहब मान जाइए ना। पापा जी मान जाइए, पापा जी हमारे लिए मान जाइए। अरे हाँ सतवंत मान जा यार, प्लीज मान जाइए। तो मैं के जी आप सब लोग कह रही हैं तो 12,000 ले लूंगा। 12,000 दे अभी। नहीं मैं तो सिर्फ 7,000 ही दूंगा बस। अरे यार अच्छा एक काम कर, 7,000 रुपया तू दे दे और बाकी 5,000 रुपया सोसाइटी दे देगी। ठीक है ठीक है। एक वेट लग ले, सोसाइटी किस खुशी में दे देगी 5,000 रुपया? अरे भीड़े क्या बात कर रहे मेरे सोसाइटी के पास फंड नहीं है ना, मैं दूंगा 5,000 रुपए बस। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, लेखक महाशय क्यों देंगे 5,000 रुपए? आप बिल्कुल नहीं देंगे 5,000। परम आदरणीय पोपट लाल जी, हमें सारी रात यहाँ खड़े रह के ये तमाशा नहीं देखना, हमें सोना है, इसलिए मैं 5,000 रुपए दे दूंगा। ओके बिल्कुल ओके जी। और मैं क्या बाबू जी, गाड़ी खाली करो और मुझे अपने भतीजे की शादी में बठिंडे जाना है। अच्छा तेरे भतीजे की शादी है तो उसमें हम क्या करें? मैं अपने भतीजे की शादी में खुद नहीं जा पाया हूँ, बम्बई में था उसके बावजूद भी। और तेरे को बुलाया नहीं होगा उन्होंने क्या? और तू शांत हो जाए यार पोपट, बड़ा अजीबोगरीब पटाखा है, जलने से पहले फट जाता है यार। ओ मैं क्या भाव जी, मेरी गाड़ी खाली करो जी, मुझे जल्दी जाना है। कैसे खाली करे, यहाँ पे कोई मजदूर दिख रहा है आपको? ये भाई ये मजदूर वाली, इधर क्या सबके हाथों में मेहंदी लगी है क्या? चलना सब लोग मिलके सामान निकाल लेंगे। हाँ निकालो निकालो। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं लाता हूँ 5,000, आप लोग गाड़ी खाली कराना शुरू कीजिए। मेरा 20 साल पुराना फ्लावर वास तोड़ दिया टप्पू ने। टप्पू क्या करता है टप्पू? टप्पू बेटा संभल के, अब किसी चीज को हाथ मत लगाना, पीछे हटो सब लोग। सुनो पीछे हटो, वो काट लग जाएगा, पीछे हटो। हाँ टीवी टीवी को एकदम संभालना, एकदम चालू है, वर्किंग कंडीशन में है, अभी तक आता है, ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर आता है उसके अंदर। फेंकता क्यों है सोड़ी? फेंक मत, उसमें मेरी किताबें हैं। तू ये रद्दी भी लेके आया वहाँ भोपाल से? अरे क्या रद्दी क्यों लाएगा, क्या मतलब है? ये भोपाल से ज्यादा पस्ती का पैसा मिलता है ना मुंबई में, 2 रुपया ज्यादा मिलता है, इसलिए लेके आया हूँ। क्या ये पोपट लाल भी एकदम कंजूस है आदमी। ये भाई ये पोपट पूरे भोपाल का सामान लाया है क्या? नहीं नहीं ये तो सिर्फ मेरा ही सामान है, जो इस घर में था वही सब मैं वापस लेके आया हूँ। चल 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 उठा इन्हें उठा। ऐसे भी अरे ऊपर उठा। अरे अरे सोड़ी ओहो संभल के संभल के। मैंने क्या किया? क्या हुआ? अरे चोट लगी, मजदूर लगी। सही आराम से करना भाई। ओहो सोड़ी कहाँ था यार, ध्यान से कर, अभी दवाई लगानी पड़ेगी। रोशन भाभी अरे सोड़ी के हाथ से चोट लग गई है। हाँ रोशन दवाई लगाइए। हाँ रोशन जल्दी आओ। ये उतर बाबा उतर।
पोपट और खाली दवाई लगाना लेना मत। पोपट लाल सॉरी सॉरी, अभी इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो आप लोगों को हेल्प ही कर रहा हूँ ना कब से। गलती तो हमारी है भाई कि हम तेरे दोस्त हैं और आधी रात को ये सब सामान उतार रहे हैं। थैंक यू लेखक महाशय, थैंक यू वेरी मच। आधी रात को एक शिक्षक को मजदूर बना दिया। ए पोपट चलो अब तुम ही नीचे आ जा। हाँ 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 उतरता हूँ चाचा जी, एकदम अच्छा सजेशन दिया, अभी उतरता हूँ।